सो हे एवरीवन, टाइम हो गया है 4:30 यानी शाम हो चुकी है, 4:30 हो गए हैं और आज का व्लॉग लेट स्टार्ट कर रहा हूँ हमेशा की तरह। आई नो, मैं जानता हूँ, तो बस वही रीज़न नहीं होता, बस हो जाता लेट। तो अब आज कुछ खास तो है नहीं, बट हाँ आज मैं घर का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं एक मेट्रो मॉल जा रहा हूँ जो मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 1 किलोमीटर है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 months जब तक लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, उसके बाद मॉल की सिचुएशन क्या है, कैसा हो गया है सारा सीन, वो सारा दिखाऊंगा। एंड मतलब पूरा वही दिखाऊंगा कि मतलब इस टाइम लोग वहाँ जा रहे हैं कि नहीं, कितनी गैदरिंग है, जो भी है, जो भी सीन है, जैसा भी है, तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा सारा सीन। बाकी मैं कुछ घर का सामान ही लेने जा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, जैसे कि मतलब घूमना फिरना ऐसा कुछ नहीं है, तो काम से ही जा रहा हूँ। और आप भी घर से जब निकलो तो काम के लिए ही निकलो, और जितना कम हो सके उतना ही कम निकलो, वैसे घूमने के लिए बहुत ही कम निकलो। आई नो मैं निकलता हूँ, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, बट मैं भी कभी कभी निकलता हूँ, और निकलता हूँ तो अपनी प्रिकॉशंस लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं पूरी अच्छे से प्रिपरेशन और प्रिकॉशंस करके चलता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आज मैं ये बोलना चाह रहा था कि मतलब जैसे कि मैंने देखा सोशल मीडिया वगैरह पे, जितने भी सोशल हैंडल्स हैं उन सब पे काफ़ी हेट्रेड फैला हुआ है, तो जितना पॉसिबल हो सके यार उतना कम करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज यार अच्छी चीज़ नहीं होती है हेट्रेड फैलाना, बहुत बेकार चीज़ है मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि यार इसमें क्या है, मतलब दोनों का नुकसान है, जिसके लिए आप बोल रहे हो उसका तो नुकसान है ही, क्योंकि आप उसके लिए एक हेट्रेड की फीलिंग क्रिएट कर रहे हो और वो हो सकता है उससे किसी डिप्रेशन में आ जाए। दूसरा आपके लिए ऐसे है कि मतलब आपकी ना आपका माइंड थोड़ा उस टाइप में वर्क कर रहा है, काफी समझ रहे हो ना, मतलब आप जैसे सोच रहे हो उसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा उस वे में फंक्शन कर रहा है कि आप भी थोड़े से दिमाग से वैसे हो रहे हो, पूरा भर रहे हो उससे, गंदगी से। तो पॉसिबल जितना उतना हेट्रेड से बचो और फैलाओ भी मत, क्योंकि मैंने देखा है जब से ये बैन हुई है एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, जिसको काफी हाईलाइट किया जा रहा है, तो मेरा कहना ये है कि मतलब देखो हाँ नुकसान तो था ही टिकटॉक से, बट ये है कि आप हेटेड मत फैलाओ, क्योंकि सारे आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते कि मतलब खराब कर रहे हो, होते हैं काफी आर्टिस्ट बट सारे ऐसे नहीं होते। काफी लोगों का कॉन्टेंट भी अच्छा था, जैसे कि मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा बट था, और बस इतना ही कहूंगा कि मतलब यार वो भी एक प्लेटफॉर्म है। अब जो लोग टिकटॉक पे हैं उनको लोग गालियां देते हैं, वो जो टिकटॉक पे नहीं है, तो ये चीज आपको समझनी होगी कि ना हर प्लेटफॉर्म पे रहना जरूरी क्यों है, उसके लिए उसकी वजह होती है, रीजन होता है उसका, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, काफी लंबा हो जाएगा वरना। तो उसका एक रीजन होता है कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे रहना जरूरी क्यों है। तो जब आप एक बार अगर डिजिटल चीजों के बारे में समझोगे ना, तो मतलब आप कभी मार्केटिंग की पढ़ाई करोगे या फिर मार्केटिंग की नॉलेज लोगे स्पेशली डिजिटल की, तो आपको समझ आएगा कि हर प्लेटफॉर्म पे रहना जरूरी क्यों है। हाँ, जो कंटेंट वो देते थे वो खराब था, जैसे कि मतलब बेकार चीजें हो गई, कि जैसे आप हो इन्फ्लुएंसर बट आप बता कुछ भी रहे हो, तो वो चीजें गलत है, हाँ वो मैं भी मानता हूँ। तो चलो बाकी बस यही है कि हेटेड कम फैलाओ जितना हो सके, हो गई बैन हो गई, छोड़ो यार, अब आप मतलब जो आपको पसंद है आप उसको सपोर्ट करो, जो पसंद नहीं है मत करो, लेकिन उल्टा भी मत बोलो, वही चीज है, लाइक करते हो तो करो, नहीं करते तो उसको कुछ बोलो भी मत, गलत भी मत बोलो, बस इतना सा कहना है मेरा। मैं पहुंच चुका हूँ, जस्ट अभी पहुंचा हूँ, ज्यादा देर नहीं हुई, मैंने स्कूटी पार्क कर ली है। इनफैक्ट मैं अभी अपनी स्कूटी पे ही बैठा हूँ, ये पीछे आपको दिख रहा होगा ये पूरा मेट्रो मॉल है। इसमें बेसिकली मतलब एक मेट्रो मॉल में एक छोटी सी, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा मेगा स्टोर है शॉपिंग के लिए, तो आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हो, मतलब इजीली हर चीज़ अवेलेबल होती है एक डिस्काउंट रेट्स पे, तो इजीली सब मिल जाएगा। अभी ये मैं दूसरी क्लिप बना रहा हूँ सेम चीज़ की, जो मैंने प्रीवियस क्लिप बनाई थी उसमें हुआ ये था कि मतलब वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, एंड उसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा वो, क्योंकि इसमें नहीं है, वो लास्ट क्लिप में थी। एक कोई अंकल थे, वो मेरे पीछे से जा रहे थे अपनी बाइक पे, तो वो मेरे को लिटरली ऐसे घूर रहे थे कि पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो बाकी फिर आओ चलो अंदर चलते, फिर मैं आपको अंदर दिखाता हूँ डायरेक्ट।
अभी तक मैं ले चुका हूँ, फिलहाल तो अपनी चीजें ली हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिया है जैसा कि आप देख सकते हो। अभी बाकी जो है वो पल्सेस वगैरह लेनी है और मतलब कुछ रिलेटेड सामान है, जैसे कि क्या कह सकते हैं, पिज्ज़ा पास्ता में जो प्यूरी डलती है वो वाली सॉस हो गई और टमाटो केचप हो गया, तो उसका सेक्शन बेसिकली नीचे है, तो उसके लिए मेरे को नीचे आना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो कम्प्लीटली ये ऐसा है। अभी मैंने आपको ऊपर वाला सेक्शन दिखाया नहीं, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो बेसिकली सारी ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ। तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ केचप, बहुत देर हो गई। तो मैं उससे पहले आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ये जो आप हेयर ब्रश देख रहे हो ना, इसके लिए मैंने अभी ऊपर कम से कम आधा घंटा वेस्ट करा है, क्योंकि पहले मैंने वेगा का ले लिया था, देन फिर उसके बाद मेरे को एक और ब्रांड का दिखा गब का, तो मैं उसी को ही डिसाइड कर रहा था कि कौन सा लूँ। तो उसके पीछे मैंने कम से कम ऊपर हाफ एन आवर ख़राब किया अपना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मतलब मेरे को ऐसा है कि ना, मैं अगर मतलब कोई चीज़ ले रहा हूँ तो एक ही बार बढ़िया लेने की आदत है मेरे को ये नहीं चाहिए कि थोड़ा टाइम चले एंड देन फिर ख़राब हो जाए। तो मैंने कम्प्लीटली चेक करा, ऑनलाइन चेक करा, सब जगह चेक करा कि कौन सा बेस्ट है, तो ऑनलाइन भी वेगा का ही ज़्यादा बढ़िया शो हो रहा था कि वेगा इज़ बेटर देन गब, सो मैंने भी गब ही लिया है, वेगा ही लिया है। और उसमें भी इतने सारे वेरिएशन थे कि कुशन ब्रश, पैडल ब्रश, राउंड ब्रश, तो ऐसे ब्रशेस थे, तो मेरे को एक राउंड तो लेना ही था, बट मैं कुशन और पैडल में कंफ्यूज हो गया कि कौन सा लूं। और बहुत देर हो चुकी है घूमते घूमते, बट मेरे को कैचअप नहीं मिला। एक तो मैं आया भी अकेला हूँ, ये वाला है कैचअप, तो मैंने डेल मोंटे का केचप लिया है। किसान, आई नो कि किसान की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, बट मैं किसान का इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो ज़्यादा मीठा होता है, तो बेसिक रीज़न मेरा ये होता है कि मैं किसान का नहीं लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे कॉफ़ी दिख गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी भी ले लूँ, बिकॉज मेरे को कॉफी के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ बड़े वाला ही ले लूं, जब आया हूं तो बड़े वाला ही ले लेता हूँ ना डायरेक्ट, और यही मैं अगर पापा के साथ आता तो गालियां पड़ती कि जो लेना है वो ही ले, चीजें क्यों बदल रहा है। ये कौन सी है, नेस्कैफे गोल्ड, ये मैंने पहले नहीं देखी, ब्लेंड, ओके। सो बेसिकली इसको ज्यादा ग्राइंड नहीं किया हुआ, ये सॉलिड है। ये वाला पैक मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, ये है हमारा 200 ग्राम्स का, और जो नीचे छोटे वाले पैक्स हैं ये वाला है, ये 100 होगा फिर, हाँ जी ये 100 ग्राम का, तो ये है 290 का MRP के अकॉर्डिंग, और ये है 540 का। तो मैं एक बार किसी से पूछ लेता हूँ कि कितने तक का पड़ जाएगा ये मेरे को। तो ये मैंने भैया को भी बुलाया था, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इसका अभी जो प्राइस है डिस्काउंट वाला वो आया नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया, ये भी 200 ग्राम है। तो मैंने उनसे जब डिफरेंस पूछा, उन्होंने कहा बस डिफरेंस ये है कि ये कांच में है और ये पाउच में है, तो मैंने कांच चाटना थोड़ी है, मैं पाउच वाली ले लेता हूँ, बिकॉज ये मेरे को थोड़ी उससे सस्ती भी पड़ रही है,
अभी अपने नहीं कमाता यार, इसलिए मेरे को सस्ता महंगा देखना पड़ता है। जिस दिन अपना कमाएंगे उस दिन बिना रेट देखे खरीदेंगे सब सामान, टेंशन नहीं है। तो हमने ये पाउच वाली कॉफी ले ली है। कॉफी का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट दिख गई तो ले ली। अब बाकी सामान देख लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी और कुछ लिया नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रहा तो इस स्टोर में जितने प्रोडक्ट्स हैं सब में से एक एक तो मेरी ट्रॉली में होगा पक्का। क्योंकि अभी मैंने पीनट बटर देखा था जो कि मैंने बहुत खाया बहुत एक टाइम पे, तो जैसे मैंने देखा मेरा मन किया कि ये ले लेता हूँ, बट फिर ध्यान आया कि स्टोर अपना नहीं है, पैसे लेंगे ये लोग। तो यहाँ के हालात भी ऐसे हैं कि आप अगर घुस गए हो तो जितने भी सामान है ना आपका दिल करेगा कि सारा ले लें। ये देखो अब मेरे को कुछ पल्सेस लेनी है, पहले वो ले लेते हैं और वो लेते टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो थोड़ा पॉसिबल है कि खुली हो, बट खुली नहीं है। एक सेकेंड, खुली नहीं है, पैक्ड है। ओके, मे भी हो सकता है कि कोविड की वजह से इन्होंने ये सब पैक कर दिए हैं। यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है ट्रॉली निकालना, अब घूम के जाना पड़ेगा। बट यार ये चीज़ सही हो गई कि इन्होंने पैकिंग शुरू कर दी, बिकॉज ढूंढो डालो उसमें ना बड़ी देर लग जाती थी, आलस आता था। तो बट फिर भी मैं भी साथ साथ नहीं बनाऊंगा बिकॉज डाल लेता हूँ, अगर थोड़ी बहुत दालें भी इधर हो गई तो घर पे मेरे को जूते पड़ जाएंगे। तो मैं फिर अभी आपसे मिलता हूँ। फाइनली सामान मैंने ले लिया है, दाल भी मिल गई, पूछ पूछ के ले ली, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरी खुद की दो चीज़ें नहीं मिली, बाकी जो घर की लेनी थी उसमें से सिर्फ एक नहीं मिली, पिज्ज़ा और पास्ता की जो प्यूरी होती है वो। तो बाकी अपना सामान तो मैंने ले लिया। मेरे को प्रोबेबली कंडीशनर लेना था और लिवॉन लेना था। लिवॉन कहाँ गया, ये रहा लिवॉन, सॉरी लिवॉन नहीं, आलमंड्स हेयर ऑयल लेना था। बाकी जो मेरे को दो चीज़ें नहीं मिली वो है मेरा स्ट्रीक्स का हेयर सीरम और क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ जो मेरे को नहीं मिली वो है मेरा फेस वॉश। जो मिल रहा है पैक उसमें दो कॉस्को की बॉल है फ्री साथ में, जिसकी वजह से 10-12 रुपए बढ़ा दिए फेस वॉश पे, एक पैक मिल रहा पूरा। तो वो बॉल्स का मैं क्या करूँगा, क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कैचम कैचम खेलेंगे नहीं। मेरे को हंसी आ रही है बिकॉज लोग अपने घर के एसेंशियल चीज़ें खरीदने निकले और मैं खरीद रहा हूँ ये हेयर ब्रशेस, कंडीशनर, आलमंड हेयर ऑयल। तो लोग भी मेरी ट्रॉली में देख रहे हैं, जो कि है खुदू चीज़ है, क्योंकि यार ऐसे टाइम पे ये सब एसेंशियल चीज़ खरीदने आते हैं और मैं आया हूँ अपनी ग्रूमिंग की चीज़ें खरीदने।
मैंने ये गैलेक्सी की चॉकलेट ऑलरेडी ले ली है, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर रुक नहीं रहा, बिकॉज जितनी देर रुकूँगा सामान लेता जाऊँगा और आउट ऑफ कैश हो जाऊँगा, तो मैं बिली करा लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज जो सामान मैंने लेना था वो ले चुका हूँ, जो नहीं है वो नहीं है। तो मेरी बास्केट में जो एडिशन हुआ है वो ये पीनट बटर का हुआ है। बाहर आ चुका हूँ, सामान वगैरह पैक कर लिया है, मतलब तो वहाँ वही हुआ जिस चीज़ का डर था, जो कि होना ही था ऑब्वियस है, क्योंकि मैं सामान भरे जा रहा था और मेरे पास कैश लिमिटेड था, तो लास्ट मोमेंट पे मैं आउट ऑफ कैश हो गया, जो कि वर्स्ट पार्ट होता है कहीं पे भी अगर शॉपिंग करने जाओ और तुम आउट ऑफ कैश हो जाओ अपना सारा सामान लेने के बाद। तो मतलब कैश था घर पे है, बट मेरे को लगा इतना ज़्यादा खर्चा होगा नहीं, बट हो गया, मतलब इतनी ज़रा ज़रा सी चीज़ें भी मतलब अच्छा खासा बिल बना गई। तो बस, तो फिर अब मेरे पास और कैश था नहीं, तो मेरे को एक चीज़ कम करनी पड़ी जो कि थी कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी नहीं लाया, मेरे को कॉफ़ी कम करनी पड़ी है। बाकी देखते हैं, अभी तो रास्ते में हूँ, बट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जिसमें मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, तो आप ही डायरेक्ट आप वही देखो। ने अभी देखा वो मेरा स्कूल है बेसिकली, जो अभी मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से ऑलमोस्ट 1 or 1.5 years समथिंग हुए होंगे मेरे को 12th पास किए हुए। मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, फर्स्ट ईयर में ही हूँ, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं इसकी, मतलब मज़ा आता था यार स्कूल में, ज़्यादा मज़ा स्कूल में आता था 11th 12th में। जब से कॉलेज में आए हैं तब से तो मतलब क्या बताऊँ क्या सीन है कि पूरा दिमाग ख़राब रहता है सारा टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है कि मतलब फ्यूचर को लेके कि कुछ करना है कुछ करना है। लेकिन स्कूल में क्या था यार, स्कूल में ना बिल्कुल फ्री होते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी, तो बढ़िया सा रहता था, सारे टीचर्स के साथ हम ऐसे रहते थे जैसे मतलब वो हमारे घर के लोग हैं, बट वो मज़ा कॉलेज में नहीं आता। सो आज फिर इसको यहीं तक रखते हैं, सो किसी भी रीज़न से अच्छा लगाओ तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, यहाँ तक आए उसके लिए थैंक यू, और यहाँ तक आए हो तो अच्छा भी लगा होगा आई होप। तो बाकी फिर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, जब भी जहाँ भी जाऊँगा ज़रूर दिखाऊँगा, तो बाकी तब तक मज़े करो, सेफ रहो, और जैसा भी है जो भी है ठीक रहो, सारे घर पे रहो, तो नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ फिर मैं आपसे, और मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बाकी फिर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।